दिल्ली गेट थाना अंतर्गत घंटाघर में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को नकली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी 2000 रुपए के 7 नकली नोट बाजार में खपा चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से सभी नकली नोटों को संबंधित दुकानों से बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कांच का पुल गली नंबर 9 निवासी आफताब पुत्र दिलशाद ट्रक ड्राइवर है। आफताब के पिता भी ट्रक ड्राइवर है। दिल्ली गेट इंस्पेक्टर ने बताया कि घंटाघर पर चेकिंग के दौरान आफताब को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब एक दुकानदार इस पर नकली नोट चलाने का आरोप लगाते हुए पीछा कर रहा था। पुलिस ने आफताब के पास से 2000 के 3 नकली नोट बरामद किए हैं। ये हुआ कि मेरे सामने दुकान है इनकी, एन ए जनरल स्टोर के नाम से। इनके यहाँ एक लगाया, उसने टोपी ली इनके यहाँ से, 4 टोपी 200 रुपए की और 2000 रुपए का नोट दिया उसने, और नोट देने के बाद 1800 लेके वापस चला गया। इन्हें पता लगा, जब पुलिस से थाने से फोर्स गई, जब पता लगा कि वो नोट नकली था। कितने लोग थे वो? एक लोग मार्केट में और किस लोगों को जो ने एक दुकान हो रहे हैं। ये थाना दिल्ली गेट पुलिस को कल रात एक सफलता हाथ लगी है। इसमें आफताब नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 2000 रुपए के 10 नकली नोट बरामद हुए हैं। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही व पूछताछ की जा रही है। डिटेल आपको जल्दी शेयर किया जाएगा।